कानपुर में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने जायजा लिया। इस दौरान कोई कमी नहीं निकली। लोकसभा 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और बहुत ही जल्दी आप सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इस बार के चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है और आज हम उससे पहले मतलब चुनाव का जब मतदान आएगा, जब उस दिन का समय आएगा, उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो वीवीपैट इंडिया वॉइस पे आप देख सकते हैं कि यही वो वीवीपैट है जहां जो कि आप जिसको भी वोट देंगे उसका नाम आपको दिखाई पड़ेगा, जिससे कि आप इस बात से मुतमईन हो जाएंगे कि आपने जिसको वोट दिया है वो सही वोट गया है कि नहीं गया है। और आज इंडिया वॉइस के कैमरे पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, ये रैंडम नंबर है, किसी पार्टी का नाम नहीं है। और किसी एक बटन को दबाने के बाद ये आपको दिखाएंगे कि वो सही में वीवीपैट पर वही नंबर शो करता है कि नहीं करता है। मैं सबसे पहले ये जो 6 नंबर है जिसके आगे 3 F लिखे हुए हैं, इसके आगे का बटन दबाता हूं। इसके आगे का मैं बटन दबाता हूं, इसको बटन के दबाने के बाद ये वोट पड़ जाएगा और वीवीपैट में आप देख सकते हैं कि 6 नंबर FFF आ गया है। इससे ये साफ पता चलेगा कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, उसी को वोट जा रहा है। ये आप आराम से देख सकते हैं। ये पर्ची आप निकाल के नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको देखने का मौका मिलेगा, 7 सेकंड का मौका मिलेगा। और जिस तरह की बहुत सारे ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, उसी पर ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने ये काम किया है और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हमारे साथ कानपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी केहरे सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो ट्रांसपेरेंसी इस तरह की है, क्या इसके बाद कोई भी ऐसे शको शुबा की गुंजाइश रह जाएगी? इस प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये मशीन फुल प्रूफ है। आप जिस मतदाता को, जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, आप देख भी सकते हैं और इसमें कोई शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपके शहर में जब भी मतदान की तिथि आएगी, आप सभी लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कीजिए और जो भी ईवीएम है उसके ऊपर से कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। आप आराम से जाके अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और अपने देश की नई सरकार चुन सकते हैं। कैमरामैन विवेक पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, इंडिया वॉइस, कानपुर। तो ये वो विपक्ष के लोग होते हैं, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम सही है और हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम गलत है। जायजा भी इंडिया वॉइस ने लिया।